अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सनी शेफ ऑफिशियल। आज हम एक और रेसिपी के साथ हाजिर हैं जो कि हम बनाने लगे हैं, चिकन छनवारी कढ़ाई। बहुत ही मजे की बनती है। बेसिकली ये खैबर पख्तूनख्वा की डिश है जो कि बहुत ही जबरदस्त बनती है, पंजाब में भी अब बहुत पसंद की जाती है। हम आपको बताएंगे कि चिकन छनवारी कढ़ाई कैसे बनती है। बहुत ही आसान रेसिपी है, होते हैं दो तीन मसाले ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। ये हमने एक अदद कढ़ाई ले लेनी है, फिर चूल्हा भी जला लेना है। अच्छा जी, हमने चूल्हा जला लिया है, कढ़ाई हमने ले लेनी है। आपके घर में जो भी बेच की है, आप इजी होके जो कढ़ाई है आप उसको यूज कर सकते हैं, इसमें कोई नहीं है। मेरे पास एक कढ़ाई है, मैंने ये कढ़ाई ले ली है, ठीक है। ढक्कन बहुत जरूरी है, जो भी आप इस्तेमाल करें उसका ढक्कन होना जरूरी है। चिकन डालना है, ठीक है। आँच को हमने नॉर्मल रखना है, ज़्यादा तेज नहीं करनी है। अभी एक अदद कढ़ाई ले ली, उसमें हमने चिकन डाल देना है, ठीक है। मैं चिकन डालने लगूँ, तकरीबन मेरे पास एक किलो चिकन है, मैंने इसमें चिकन डाल देना है। चिकन कढ़ाई में डाल दिया, अब हमने इसमें ऑयल डालना है। बेसिकली हमने चिकन को फ्राई करना है, तो इसमें हम ऑयल डालेंगे। इतना ऑयल डालेंगे कि हमारा जो चिकन है वो ऑयल में डूब जाए। जब मैंने कढ़ाई में चिकन डाल दिया है, ऑयल डाल दिया, अब मैंने इसमें नमक का इस्तेमाल करना है। मेरे पास एक किलो चिकन है तो मैं तकरीबन एक चम्मच ही नमक का डालूंगा। जी मैंने एक चम्मच नमक का इसमें डाल दिया है, अब मैं इसको थोड़ा सा हिला दूंगा। मैंने ऑयल डाल के नमक डाल के चिकन को हिला दिया थोड़ा। अच्छा जी, अब आपने चिकन को 15 मिनट के लिए ढक कर पकने के लिए रख देना है और 5 मिनट के बाद आपने इसको चेक लाजमी करना है। ओके व्यूअर्स, तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं। हम अपने चिकन को देखते हैं कि चिकन की क्या कंडीशन है। चिकन को बेसिकली 15 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन हमने साथ साथ हर 5 मिनट बाद चेक कर लेना है और हिला देना है। तकरीबन 7-8 मिनट गुजर चुके हैं और चिकन इतना ब्राउन हो चुका है, हमने इसको थोड़ा और ब्राउन करना है। हम इसको दोबारा दम पर रख देंगे। जैसे मैंने आपको बताया था 15 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन साथ साथ हमने इसको चेक कर लेना है। चिकन फ्राई हो चुका है, अब हमने इसमें तकरीबन 6-7 टमाटर डाल देने हैं। मैं टमाटर काट लूं फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अब हमने इसमें तकरीबन 10-1 हरी मिर्चें कटी हुई दरमियान से काट लें और वो डाल दें। आपने इसमें लहसुन अदरक वाला पानी डाल देना है, थोड़ा सा हिला कर। अब हम इसको ढक देंगे, जब तक हमारे टमाटर गल जाते हैं तब तक हम इसको ढक के रख देते हैं। और जब हम चेक करते हैं कि हमारे टमाटर्स की क्या कंडीशन है, जैसे ही टमाटर का छिलका नरम हो जाएगा हम आँच को हल्की करके ऑयल निकाल लेते हैं। अच्छा जी व्यूअर्स, टमाटर हमारे नरम हो चुके हैं, हम आपको दिखाते हैं कि ये कंडीशन हो जाएंगी टमाटर। व्यूअर्स, हमने जो एक्स्ट्रा ऑयल था हमारी कढ़ाई में, हमने वो निकाल दी, हमने उतना ही ऑयल रखा है जितना अब हमें ज़रूरत है। इसमें से अब हम जो टमाटरों के छिलके होते हैं वो उतार लेते हैं। मैं बेसिकली हम इन टमाटरों की ग्रेवी सी तैयार कर लेंगे। अच्छा जी व्यूअर्स, टमाटरों को हमने अच्छे तरीके से उसकी ग्रेवी बना ली है, थोड़ा सा हमने उसको फ्राई भी कर लिया है। अब हमने इसमें फर्दर एक या दो चीज़ें डालनी, क्योंकि ये हम चिकन छनवारी कढ़ाई बना रहे हैं, इसमें फर्दर कोई भी मसाले नहीं जाते हैं। नमक, काली मिर्च और अगर आप गड़ा मिर्च डालना चाहते हैं वो इस्तेमाल होगी। बेसिकली इसका टेस्ट डेवलप होता है टमाटरों और हरी मिर्चों से जो ऑलरेडी हम फ्राई कर चुके हैं। चलिए व्यूअर्स, इसमें हम तकरीबन 1/2 टीस्पून हमने काली मिर्च का इस्तेमाल किया है और इसमें तकरीबन मैंने 1 टीस्पून जो है वो दड़ा मिर्च का इस्तेमाल किया।
तो अब मैं इसमें दही का इस्तेमाल करूंगा, तकरीबन आधा एक पाव मैं इसमें दही डाल दूंगा। आपने जब भी दही का इस्तेमाल करना है तो आपने चूल्हे की आंच को कम कर देना है, फिर इसमें दही डालना है। जब अच्छी तरीके से दही उसमें हल हो जाए देन आप अपनी आंच को तेज कर दें। हमने इसमें दही डाल दिया है, दही का पानी कुछ होने तक हम इसकी भुनाई करेंगे। तकरीबन हमारी कढ़ाई तैयार हो चुकी है, अब जस्ट हमने इसको थोड़ा सा पकाना है। ऑयल जब छोड़ देगी कढ़ाई देन हमारी कढ़ाई तैयार हो जाएगी। दही का इस्तेमाल बेसिकली हमने ग्रेवी को ज़्यादा करने के लिए किया है। अगर आप दही का इस्तेमाल नहीं भी करते हैं तब भी कोई मसला नहीं है, आप सिंपल इसको टमाटरों में भी बना सकते हैं। तो आप इसमें कुटी हुई हरी मिर्च और थोड़ी सी इस्तेमाल करेंगे, वो खड़ी खड़ी सी रहेगी और जब आप इसको टेस्ट करेंगे तो बहुत अच्छी लगेगी। आपकी मर्जी है आप इसमें गरम मसाले का इस्तेमाल करना चाहते हैं या नहीं। मुझे थोड़ा सा इसका टेस्ट अच्छा लगता है तो मैं इसमें तकरीबन हाफ टी स्पून गरम मसाले का ऐड करूँगा। गरम मसाला हमेशा एंड पर ऐड करें, क्योंकि अगर आप ये पहले ऐड कर देंगे तो आपकी जो कढ़ाई है वो ब्लैक की तरफ चले जाएगी, उसका डिस्प्ले इतना अच्छा नहीं आएगा। चलिए हमारी कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसमें बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। हम अब इसका चूल्हा बंद कर देंगे, ज़्यादा ड्राई की तरफ नहीं जाएगा। अब हम इसमें गार्निशिंग, कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो गई है। हमने इसमें अदरक गार्निशिंग के लिए अदरक डाल दिया है और हमारे पास हरा धनिया है, हरा धनिया डाल दिया है। अब हम इसको टेस्ट करेंगे, आप इसका क्लोजअप देखें, बहुत ही ज़बरदस्त कढ़ाई हो गई है।